हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम LT और HT के बारे में जानेंगे और उसके भीतर जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। बहुत बार आप सुने होंगे LT करेंट, HT करेंट, LT पैनल, HT पैनल ऐसे, लेकिन उसका फुल फॉर्म आज देखेंगे, पूरे डिटेल में उसको समझेंगे। LT का मतलब है लो टेंशन और HT का मतलब है हाई टेंशन। अभी ये जो टेंशन है ये आपको बहुत टेंशन दे रहा होगा, लेकिन आखिरकार ये टेंशन है क्या। टेंशन एक फ्रेंच वर्ड है जो हिंदी या इंग्लिश में उसको वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि हम LT को लो टेंशन कहते हैं और HT को हाई टेंशन कहते हैं, इसको हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अभी हम LT और HT के वोल्टेज रेंज को देखेंगे जिससे हम LT और HT के चयन कर सके। लो टेंशन लाइन के वोल्टेज अप टू 1000 तक रहता है, मतलब 1 KV से नीचे वाले एरिया को हम LT कहेंगे। LT सप्लाई दो तरह के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज, जहां पर सिंगल फेज का वोल्टेज हमारा 230 और थ्री फेज का वोल्टेज 440 वोल्ट रहता है। ये सारे वोल्टेज का एरिया को हम LT लाइन कहते हैं। लेकिन HT की बात करें तो 11 KV से 33 KV तक के वोल्टेज को हम HT लाइन बोलेंगे, मतलब हमारा 11 KV, 22 KV, 33 KV ऐसे। अगर हमारा वोल्टेज 33 KV से ज्यादा है तो उस एरिया को हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन एरिया बोलते हैं। अभी देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, HT का जो लाइन होता है उससे हम डायरेक्ट घर के उपकरण नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज हाई रहता है और हमारा जो कंपोनेंट है वो लो वोल्टेज का होता है। इसीलिए 11 KV हो गया, 22 KV हो गया, 33 KV हो गया या उससे ज्यादा की HT लाइन को हम डायरेक्ट यूज ना करके डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से ट्रांसफार्मर को लाया जाता है और ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक जो लाइन आता है उसको हम LT बोलते हैं। इसी वजह से HT से ज्यादा फॉल्ट LT में आता है, क्योंकि LT लाइन में डायरेक्ट लोड कनेक्ट रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहला फॉल्ट LT में ही आता है। ये जो लोड होता है इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता रहता है। मान के चलिए आपके एक साथ 10 मोटर चल रहा है, 10 मोटर्स का RPM अलग अलग है, तो इन सब में जो वेरिएशन होगा वो डायरेक्ट LT लाइन पर होगा। तो जो फॉल्ट आएगा वो HT लाइन से LT लाइन पर ज्यादा फॉल्ट आ जाएगा। HT का जो वायर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 3 वायर का होता है, RYB, लेकिन LT का जो वायर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो RYB के साथ न्यूट्रल भी आता है, जो कि ट्रांसफार्मर से स्टार कनेक्शन से निकलता है। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन और न्यूट्रल कैसे बनता है उसको वीडियो में जल्द ही लाऊंगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। HT और LT के जो ज्यादातर कंडक्टर यूज होते हैं वो SCSR का, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का होता है। उसमें ज्यादा जो यूज होती है LT के केस में स्क्वेरल एंड वेजल, स्क्वेरल 20 mm स्क्वेयर का और वेजल 30 mm स्क्वायर का होता है। उसी तरह HT में ज्यादा यूज होने वाला कनेक्टर रैबिट और डॉग का कनेक्टर होता है। रैबिट 50 mm स्क्वायर का और डॉग 100 mm स्क्वायर का होता है। रैबिट कनेक्टर 11 KV में और डॉग कनेक्टर 33 KV में यूज में ज्यादातर लिया जाता है। आज की इस छोटा सा टॉपिक में इतना ही। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।